ऑनर ने अपना ऑनर का 9N इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ऑनर का 9N रेडमी के नोट 5 प्रो से डिजाइन में, कैमरा में किस तरह से यहां पर जो है वो बेटर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो ऑनर का जो 9N है वो आपको तीन डिफरेंट वेरिएंट में मिलता है, 3GB, 32GB, 464 में और 4128 के अंदर। 3 32GB की जो कीमत है वो लगभग 12,000 रुपये रखी गई है और जो 464GB उसकी 14,000 रुपये रखी गई है और जो 4128GB है उसकी कीमत रखी गई यहाँ पर लगभग 18,000 रुपये। शामिल का जो रेडमी नोट 5 प्रो है बड़ी ही मुश्किल से आपको मिलता है फ्लिपकार्ट पे और mi.com के ऊपर। 15,000 में आपको मिलता है 464 वाला और उसके बाद 6GB और 128GB वाला जो मिलता है वो लगभग 17,000 रुपये का। डिजाइन की अगर बात करते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ऑनर की 9N का डिजाइन है यहाँ पर ग्लास डिजाइन है, बिल्कुल आप अपनी चेहरा भी देख सकते हैं उसका, इतना जो है वो यहाँ पर मिलता है। कैमरा का जो बम्प है वो बहुत ही हल्का सा है, जबकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे रेडमी की नोट 5 प्रो में तो आपको मिडनाइट ब्लैक कलर मिल जाता है, गोल्ड कलर मिल जाता है और मिडनाइट ब्लैक जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है ऑनर के साथ में। कैमरा का जो बम्प देखेंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है यहाँ पर, जो आपको आपके कैमरा पे स्क्रैच वगैरह भी डाल सकता है। आप देखेंगे क्लोजली तो हमारे जो Redmi Note 5 Pro पे काफ़ी स्क्रैचेस भी आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं वन हैंड ऑपरेशन की तो यहाँ पर ऑनर का जो 9N है 5.84 इंच की स्क्रीन के साथ में आता है, तो वन हैंड ऑपरेशन के लिए जो है वो अच्छा है, आप सिंगली हैंड से यूज़ कर सकते हैं, जबकि Redmi के Note 5 Pro को आपको दो हाथ से यूज़ करना पड़ता है। स्क्रीन दोनों में ही आपको फुल HD प्लस की मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह की, दोनों का जो लेवल बढ़िया है लेकिन मुझे जो कलर्स हैं वो ऑनर के 9N में ज़्यादा बेटर दिखते हैं। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनर के 9N में किरिन 659 मिल जाता है, जो कि ऑक्टा कोर है, 2.36 GHz पे 4 कोर है और 1.74 GHz पे 4 कोर है। 4GB 64GB हमारे पास में यहाँ पर एंड्रॉइड को OS मिलता है 8.0 के ऊपर, EMUI के 8.0 वर्जन के ऊपर। फुल HD की यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है, जी हाँ फुल HD प्लस है। 19:9 का जो है डिस्प्ले है, 13+2 MP का रियर कैमरा है और 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वोल्टी सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है और 3000 mAh की बैटरी है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं Redmi की Note 5 Pro में तो आपको यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन का 636 मिल जाता है, 4GB 64GB की जो आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। एंड्रॉइड का 8 आ गया है अब Redmi Note 5 Pro के अंदर। और अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो 12+5 MP कैमरा है और सामने की तरफ जो फ्रंट कैमरा है वो 20 MP का है। तो फटाफट से इनका एक जो कैमरा कंपैरिजन देख लेते हैं कि कैमरा में किस तरह से काम करता है। फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे ऑनर में आपको जो है बेटर दिखाई दे रही है, रेडमी में थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कम है। दूसरी पिक्चर आपको जूम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, ऑनर में बेटर है 13 MP कैमरा में और कलर टोन डिफरेंस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों जो है वो सेम लगेंगे आपको। रेडमी में थोड़ी बेटर है और बैलेंस कलर रिप्रोडक्शन है यहाँ पर। जूम करके अगर आपको यहाँ पर दिखाएँ तो थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा कलर टोन के अंदर, रेडमी में लिटिल वार्म है और ऑनर में थोड़ी कूलर है। सेम चीज़ यहाँ पर है, ऑनर 9N में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है जबकि Redmi में बैलेंस्ड है। ये वाली फ़ोटो जो है वो आप देखते हैं सनलाइट के अंदर ली गई है, तो ऑनर में आपको बेटर डायनेमिक रेंज मिलती है जबकि Xiaomi में कलर आपको यहाँ पर डार्क लगता है। जूम करके आप यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Xiaomi में लेफ़्ट पोर्शन में जो है वो डार्क है जबकि ऑनर के 9N में पूरा बेटर है, वेल लिट है, आपको दूर तक दिखता है। इस फोटो में आप देखेंगे दोनों ही फोटो जो है बहुत ही बढ़िया आए हैं, बैकग्राउंड ब्लर आपको इसमें जो है वो दिखाई दे रहा है। फोटोज़ को जूम करके आपको यहाँ पर दिखाएं तो Redmi में आपको वाइब्रेंट कलर मिलते हैं जबकि ऑन नेचुरल कलर आपको ऑनर में दिखाई दे रहे हैं। ये वाली फ़ोटो भी यहाँ पर सनलाइट में ली गई है, तो आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स का कलर है और जो ग्रास है वो आपको वेल लिट है, परफेक्टली एक्सपोज्ड है, जबकि Redmi में थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है। क्लोजअप पिक्चर्स की अगर बात करें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैटरी डिटेलिंग आपको यहाँ पर Xiaomi में दिखाई दे रही है वार्म कलर के साथ में ऑनर 9N से। नेक्स्ट फोटो जो है वो पोर्ट्रेट या बोके मोड आप जो बोलेंगे उसमें ली है, दोनों में ही आपको ग्रेट मिलती है, ऑनर में थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है। हालांकि ऑनर में जो है आपको डिफरेंस लेवल ऑफ अपर्चर मिलते हैं तो आप इस लेवल पर भी ले सकते हैं और यहाँ पर जो है बढ़िया आई है। बाकी आप बताइए दोनों में से देख के आपको कौन सी बढ़िया लगती है। ये वाली जो फोटो है आप देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में ली गई है, यहाँ पर आपको ऑनर में बेटर एक्सपोजर मिलता है। जूम करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो जो एज डिटेक्शन है वो रेडमी में अच्छा दिख रहा है आपको। ये वाली फोटो जो है वो शाम के मौसम में ली गई है लगभग 5:30 बजे, तो आप देख सकते हैं Xiaomi की जो फोटो है वो यहाँ पर अंडर एक्सपोज है और ऑनर में आपको जो है वो बढ़िया दिख रही है कॉन्ट्रास्ट के साथ में। ये जो है वो आपको जूम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं तो आपको फेस पर बेटर डिटेलिंग आपको मिलेगी ऑनर के अंदर। सेल्फी पिक्चर यहाँ पर ली गई है, वो भी आप यहाँ पर जो देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट है और बेटर डायनेमिक रेंज और कलर के साथ में आपको ऑनर में दिखाई देती है, जबकि Redmi जो है वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज लग रही है।
ये दोनों ही फोटो जो है अक्रॉस द सन ली गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो Redmi के Note 5 Pro में आपको बेटर डिटेलिंग आपको फेस पे मिल जाती है। जी एक और फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप खुद से देखिएगा और बताइएगा, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे पड़ रही थी तो कौन सा ग्रीन आपको बेटर लग रहा है। एक हमने यहाँ पर इसकी वीडियो भी प्ले की है यहाँ पर Redmi के Note 5 Pro की और Honor के 9N की, तो आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन यहाँ पर Note 5 में बेटर है जबकि 9N में आपको जो विषय की इमेज मिल रही है। वीडियो की जो क्वालिटी है वो दोनों ही फ़ोन से यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है और फिलहाल मुझे जो दिख रही है वो Redmi में थोड़ा एक्सपोजर यहाँ पर कम है और सनलाइट जो है बिल्कुल फेस पे आ रही है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हो रही है। ऑडियो जो है वो दोनों में रिकॉर्ड हो रही है, अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो Honor के 9N में सुन रहे हैं और उसके बाद आपको सुनाएंगे Redmi के Note 5 Pro में। तो ये देखिए थोड़ा एक्सपोजर का यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, बाकी आप देखेंगे जब पता लगेगा। तो ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे फिलहाल जो है वो बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे Redmi के Note 5 Pro में, जबकि Honor के 9N ने चमका दिया बिल्कुल फेस। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से दोनों ही फ़ोन में जो है वो डिज़ाइन मिलता है, कैमरा मिलता है और परफॉर्मेंस मिलती है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi का Note 5 Pro यहाँ पर परफॉर्मेंस में बेटर है, Honor का 9N का जो कैमरा है वो आपने देखा कि किस तरह से आपको जो है बेटर मिलता है। दोनों में ही जो है वो अपने अपने डिफरेंसेज हैं, तो कहीं पर आपको Redmi अच्छा लगेगा और कहीं पर आपको Honor का 9N लगेगा। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो अगर आप छोटी स्क्रीन लेना पसंद करते हैं, वन हैंड ऑपरेशन है और लाइट वेट में चाहिए, तो आपके लिए Honor N यहाँ पर बढ़िया है। बाकी आप यहाँ पर खुद से देख सकते हैं Redmi का जो Note 5 Pro है वो भी कुछ कुछ मामलों में आपको बढ़िया मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप दोनों में से कोई से फ़ोन लेना चाहते हैं तो जो ले सकते हैं जाकर फ्लिपकार्ट पे। Honor का जो 9N है वो 31 जुलाई से आपको मिलने वाला है, आप जाकर ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।